Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. यूपी की कानून व्यवस्था को आईना दिखाने वाले प्रयागराज के उमेश हत्याकांड से जुड़े माफियाओं की संपत्ति अब मिट्टी में मिलनी तेज हो गई है। माफिया सरगना अतीक अहमद के बेटे के चालक अरबाज के एनकाउंटर के बाद आज इस हत्याकांड में शामिल जफर के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। जफर के करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति आज जमींदोज हो जानी है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अतीक अहमद के करीब 10 लोगों की सूची भी तैयार कर ली गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन करीबियों के घरों पर भी नोटिस चस्पा कर दिए जाएंगे। इसके बाद इन घरों का भविष्य बुलडोजर तय करेगा। नमस्कार, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstBite.tv। हाल ही में प्रयागराज में सारे बाजार दिन दहाड़ जिस तरह उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया, उसने यूपी की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे डाली है। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का गवाह था। उमेश की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। अंधाधुंध फायरिंग बमों का इस्तेमाल कर बदमाशों ने न सिर्फ उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया था, बल्कि दोनों पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उमेश पाल के साथ ही एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी जीवन मौत के बीच संघर्षरत है। मौके से ली गई CCTV फुटेज में एक बदमाश पुलिसकर्मी की कार्बाइन भी उठाकर भागता देखा गया है। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके परिजनों समेत कई लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अतीक अहमद अहमदाबाद की जेल में बंद है। पुलिस अतीक के बेटे के चालक अरबाज को पहले ही मुठभेड़ में गिरा चुकी है। आज खालिद जफर के घर को जमींदोज किया जा रहा है। खालिद जफर का परिवार पहले ही घर छोड़कर फरार हो चुका है। गेट वे बाउंड्री तोड़कर अंदर का सामान निकाला गया है। इस दौरान वहां से एक बंदूक व तलवार भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक इस घर में ही उमेश हत्याकांड की साजिश रची गई थी। हत्याकांड से पहले अतीक की पत्नी शाहिस्ता परवीन भी यहीं रुकी थी। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में साफ कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस कड़ी में दस्तीकरण के लिए माफियाओं के 10 करीबियों की सूची तैयार कर ली गई है। अतीक अहमद के यह मददगार तेलियारगंज, चकिया, धूमनगंज, सुलेमसराय, दरियाबाद, करेली, हरवारा, जयंतीपुर, सदियापुर, मुंडेरा, झलवा, अटारा, करारी, मसारी, दायराशाह, अजमल, मिनहाजपुर, जद्दोपुर, महमूदपुर क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ भी जल्द ही बुलडोजर की गर्जना सुनाई दे सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 square feet में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।